नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पर दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं वर्टिकल वॉल पे, मतलब दीवार पे जब आप टाइल लगाते हो तो वहां पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार दोस्तों दीवार पे टाइल लगाने के बाद टाइलें गिरने लग जाती हैं, ये इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है कि आपको ध्यान किन किन बातों का रखना है कि दीवार पे आप टाइल जो लगा रहे हो उसको उस टाइम पे आप उन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके दीवार से टाइल जो है वो नहीं निकलेगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो जाती है आप सभी के लिए, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो को पूरी देखें और जरूर देखें क्योंकि नॉलेजफुल वीडियो है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि दीवार पर हम लोग टाइल लगाते हैं कि छोटे बच्चे अगर हमारे घर पे हैं तो अगर दीवार में कुछ लिखते पढ़ते हैं तो वो 2-3 फुट तक हम लगाते हैं और उसलिए वो खराब ना लगे, टाइल में बहुत आराम से कोई चीज़ पहुँच जाता है, साफ हो जाता है। मगर दीवार पर अगर आपने कुछ लिख दिया पढ़ दिया तो वो साफ नहीं होता बहुत जल्दी आराम से, तो इसलिए दोस्तों टाइल लगाना लोग प्रीफर करते हैं। और इसके अलावा लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि अगर सीलन आ रही है नीचे दीवार से तो टाइल लगा देते हैं, तो ये सब वजह होती है छोटी छोटी जहाँ पे लोग टाइल लगाते हैं। काफ़ी लोग इसको दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इस कारण से भी लोग टाइल प्रीफर करते हैं दीवार में लगाना 2-3 फुट तक। लेकिन अब वो टाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर आप लगा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल बजाओगे तो क्या होगा दोस्तों, इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है घर बनाने जुड़ी हुई है घर से रिलेटेड वो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और मैं एक जेन्युइन वीडियो लाने की कोशिश करता हूं हमेशा आप तक, एक अच्छी और एक जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरी वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी या थोड़ी बोरिंग होती हो, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ जिस कारण से मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ, जाता हूँ पूरा एक्सप्लेनेशन से समझा सकूँ और आप तक पूरी बात पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ किन किन बातों का ध्यान रखना है एक वर्टिकल एक दीवार पे आपको टाइल लगाते टाइम पे। जब भी दोस्तों दीवार पे आप टाइल लगवा रहे हो तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार क्या होता है लोग प्लस्तर के ऊपर टाइल लगवा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने प्लस्तर के ऊपर टाइल लगवाया है और बाई चांस आगे चल के आपकी दीवार में सीलन आता है तो वो टाइलें आपकी कभी भी दीवार पर नहीं टिकेंगी और बहुत जल्दी वो टाइलें आपकी दीवार से निकलने लग जाएंगी, ये बहुत बड़ी गलती में से एक आता है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि जब भी आप टाइल लगाते हो तो वहां पे आपने अक्सर देखा होगा जो टाइल लगाने वाला मिस्त्री है वो क्या करता है, सीमेंट का जो मोर्टार है वो उसके सेंटर में तो लगा देता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन किनारियों में ही लगाता है। और इस कारण से क्या होता है, जब भी आप उस वॉल को ठकठकाओगे तो वो एक खोखलेपन का आवाज आएगा और ऐसी टाइलें बहुत जल्द ही निकल जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी टाइलों में साइड से स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता है और धीरे धीरे करके ये धीरे धीरे करके जब साइड से खाली होती है तो धीरे धीरे करके अगर हल्का फुल्का वाइब्रेशन होने के कारण ये दीवार को छोड़ने लग जाती हैं और ये टाइलें कुछ टाइम के बाद निकल के गिरने लग जाती हैं और मेरा हमारी दीवार खराब लगती है दिखने में। बात यहाँ आता है कि अगर हम प्लस्तर पर टाइल लगा रहे हैं तो एक तो पहली बात तो हम प्लस्तर पर टाइल लगाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर लगा भी रहे हैं तो हमें उस प्लस्तर को प्रॉपर ढंग से खुरदरा कर लेना है। खुरदरा या तो आप ग्राइंडर मशीन से उसको पूरा घिस लीजिए दीवार को जो खुरदरा हो जाए, या बहुत अच्छी तरह से टक मारिए दीवार के ऊपर और उसके बाद ही उस पे टाइल को अप्लाई कीजिए, तभी एक बेहतर सॉल्यूशन है इसका, नहीं तो फिर ये टाइलें बाद में आगे चल के निकलेंगी। अब बात आ जाती है कि अगर आप डायरेक्ट ब्रिक पे अप्लाई करते हो, ब्रिक वाली वॉल पे अप्लाई करते हो टाइल, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी बस वही दिक्कत है कि सीलन जहाँ से वॉल पे आती है वहाँ पे टाइल हमेशा निकलेगी। अब सॉल्यूशन इसका सिर्फ ये हो जाता है कि आप जब भी टाइल लगवा रहे हैं तो हमेशा देखिए कि वो उस वॉल पे या उस जगह पे उस दीवार को घर बनवाते टाइम पे आप DPC का यूज़ ज़रूर करें और तभी आप टाइल अप्लाई कर सकते हो दीवार पे। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारी दीवार पे सीलन आ रही है और वहाँ पे हम टाइल लगा देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं जहां पे हल्की फुल्की सीलन आती है लोग सोचते हैं कि इसके ऊपर टाइल लगाते हैं छिप जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा और फिर हमारा काम भी चल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर आप पुराने घर में पुरानी दीवार पे अगर आप टाइल अप्लाई करवा रहे हो तो दोस्तों हमेशा ये कोशिश कीजिए कि उस वॉल का जो प्लास्टर है उस प्लास्टर को हटा करके तब ही टाइल उसके ऊपर अप्लाई करवाएं, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मिस्त्री या फिर आपको जो टाइल लगाने वाला ही आपको बोल देगा कि आप इसके ऊपर ही अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी पुराने प्लास्टर पे जब भी आप टाइल अप्लाई करेंगे, तो उस प्लास्टर को हमेशा निकलवा लीजिए तो उसके ऊपर से ही आप टाइल अप्लाई करवाइए। अब दोस्तों
और दो तीन बातें कुछ ऐसी हो जाती हैं, जब टाइल आप लगाना, दीवार को लगाना है, कहीं भी लगाना है, तो टाइल को एटलीस्ट 2 घंटे पहले पानी में डालिए, पानी में डालिए। इससे क्या होगा कि टाइल में जितना पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर जब टाइल लगाओगे आप तो फिर वो सीमेंट या मोर्टार का जो पानी है वो नहीं चूसेगा। ऐसे ही जिस वॉल पे आप टाइल लगा रहे हैं उस वॉल को भी आप अच्छे ढंग से क्यूरिंग कर लें, और क्यूरिंग करने का बेनिफिट यही होगा कि जब उस पर आप मसाला अप्लाई करोगे, मोर्टार अप्लाई करोगे, तो वो भी पानी नहीं चूसेगा। अगर पानी दोनों में से कोई भी चूसता है और आपका मोर्टार हो जाता है ड्राई, सूखा सूख जाता है, तो ऐसे में वो मोर्टार जो है एक भुरभुरा पाउडर के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, और ये हमारे टाइल को अच्छी तरह से स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, इस कारण से भी टाइलें गिरती हैं। इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों, टाइल लगाते टाइम पे कौन सा सीमेंट लगाया जाए? टाइल लगाते टाइम पे आप कोई भी दोस्तों पीपीसी सीमेंट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इतनी जल्दी स्ट्रेंथ की जरूरत भी नहीं होती है, और पीपीसी सीमेंट बेस्ट होती है टाइल लगाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। अब मोर्टार का रेशियो, आप जब भी आप टाइल लगा रहे हो तो उस टाइम में मोर्टार का रेशियो क्या होना चाहिए? दोस्तों मोर्टार का रेशियो यहाँ पे 1:2 या 1:1 का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लोग एडहेसिव यूज करना चाहते हैं तो आप एडहेसिव भी यूज कर सकते हो, वो अपने ऊपर आपका डिपेंड करता है, लेकिन आप यहाँ पे 1:2 या 1:1 का मोर्टार यूज करोगे तभी सही रहेगा एक वॉल के ऊपर, क्योंकि वॉल के ऊपर एक अच्छा एक मोर्टार जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहाँ की आप फर्श पे जो है 1:4 या 1:6 का मोर्टार यूज कर लेते हो, लेकिन वहीं पे आप दीवार पे 1:2 या फिर 1:1 का रेशियो यूज करोगे तो ही बेस्ट रहेगा। अब एडहेसिव सीमेंट जो है आपका 350 से 400 के बीच में कोई भी बोरी आती है, आप उसमें से कोई सा भी पीपीसी सीमेंट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एडहेसिव का भी रेट कुछ इतना ही पड़ जाता है आपका 400 के आसपास का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्या ध्यान रखना है दोस्तों, तो वो ध्यान रखना है कि आपका जो भी आप टाइल लगा रहे हो उसमें क्रैक्स कोई नहीं होनी चाहिए, उसकी लाइंस प्रॉपर मिलनी चाहिए, एजेस प्रॉपर मिलनी चाहिए, क्योंकि दीवार पर दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लाइन एजेस अगर आप ध्यान रखते हो प्रॉपर ढंग से। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आपका लाइन एजेस होंगे तो उसमें आपको टाइल में खुरदरापन नहीं आएगा, अगर एजेस प्रॉपर ढंग से मिले होंगे तो आपको होगा कि कभी बार जॉइंट्स का भी नहीं पता लगेगा कि टाइल में जॉइंट्स कहाँ पर हैं, तो इसलिए ये सब बातें बहुत जरूरी है टाइल पे एजेस रखने का, एजेस पे ध्यान रखने का। अगर एजेस प्रॉपर ढंग से नहीं होता तो कभी बार क्या होता है टाइल ऊपर नीचे हो जाती है, जिस कारण से भी टाइल गिरती है, बाद में झड़के गिरती है, क्योंकि उस टाइल को स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगी, क्योंकि खड़े किसके ऊपर होगी तो सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा तो वो छुटके गिर जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे दीवार पे टाइल लगाए टाइम पे, तो आपका दीवार पे अच्छी एक सुंदर टाइल लग जाएगी, और फिर आप आराम से इन टाइलों को लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, लाइक करके बताएं, ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। और नए हैं तो दोस्तों जिन बटन दबा सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं एक और वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा, जहाँ पे लोग यूज़ करते हैं टाइल, जहाँ पे सीलन दीवार पे आती है और वहाँ पे टाइल्स लगा करके उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, ये सही है या गलत है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो करता हूँ समाप्त, जल्दी ही मिलते हैं एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।